गुड इवनिंग बच्चों, आपकी वर्कशीट 9 में आपने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े थे, उसी वर्कशीट की ये एक्सरसाइज है बच्चों। तो मैं आपको ये एक बार बताती हूँ जिससे आपको एक बार एग्जांपल्स के साथ और अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए आप क्या है आपका, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड राइट इफ इट इज़ असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी हमें बताना है कौन से टाइप का सेंटेंस है। माई टीचर इज़ नाइस, बिल्कुल सिंपल एक स्टेटमेंट है, एक डिक्लेरेशन है, तो असर्टिव। मैं आपको सिर्फ फर्स्ट लेटर लिखूँगी, यहाँ से आप स्पेलिंग्स देख सकते हैं, ऊपर आपकी यहाँ पे स्पेलिंग लिखी हुई है असर्टिव। कैन वी गो टू पार्क, अब यहाँ पर वो पूछ रही है, शी इज़ आस्किंग सॉर्ट ऑफ रिक्वेस्ट। तो ये सेकंड जो है आपका इम्पेरेटिव आई, ये वाला। अगला है ईट योर फ्रूट्स, तो यहाँ पर एडवाइस कह सकते हैं, ऑर्डर कह सकते हैं, तो इम्पेरेटिव आई। अगला है डोंट डिस्टर्ब द होल क्लास, तो ये क्या है हमारा ऑर्डर, ये भी इम्पेरेटिव आई। तो अगले में जाते हैं फिफ्थ में, हुर्रे वी वन द रेस, अब यहाँ पे आपको एक एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है, तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यानी ई लिख देती हूँ मैं आपके लिए शॉर्ट फॉर्म में, फिफ्थ वन एक्सक्लेमेटरी। हु टुक माय पेन, अब आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस हमारे होते हैं बच्चों इंटेरोगेटिव, सेकेंड वन इंटेरोगेटिव। अगला है स्टे अवे फ्रॉम फायर, तो ये एक एडवाइस है, एक सलाह है, तो इम्पेरेटिव। अगला है वेयर शेल वी गो, वेयर क्वेश्चन मार्क वाला वर्ड, क्वेश्चन मार्क, तो इंटेरोगेटिव। हाउ ब्यूटिफुल द रोज इज, हैरानी वाली बात मतलब सरप्राइज, तो एक्सक्लेमेशन मार्क, ये आपको बताएगा कि ये कैसा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी। माई फादर इज नॉट गोइंग टू द ऑफिस, सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस। नॉट आ गया इसमें, तो ये क्या है हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। इस प्रकार आप यहाँ पर जो खाली जगह दी हुई है इसमें अपने आंसर्स लिखें। आपको ये चार प्रकार के वाक्य कैसे होते हैं ये मैंने इस वीडियो में बता दिया। अभी हम इसी वीडियो में ही इस एक्सरसाइज का बी पार्ट भी करेंगे, चलते हैं अपने बी पार्ट पे। ये हमारा बी पार्ट है इसी का ही बच्चों, यहाँ पे आपने देखिए क्या करना है, मेक नेगेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम गिवन एफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ पर आपको एफर्मेटिव सेंटेंस दिए हुए हैं और हमने इसके नेगेटिव बनाने हैं, तो नेगेटिव में क्या होगा, नॉट लग जाएगा, शी इज़ वेरी हंग्री, तो शी इज़ यहाँ पर आ जाएगा नॉट, NOT, नॉट वेरी हंग्री, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ही इज़ कमिंग टूडे, ही इज़ नॉट कमिंग टूडे, नॉट आ जाएगा इसमें भी। आई एम लेज़ी, थर्ड सेंटेंस, आई एम नॉट लेज़ी, आंसर होगा इसका। शी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, तो यहाँ पे आ जाएगा शी कुड नॉट, कुड के बाद नॉट। अगला है ही रन्स वेरी फास्ट, ही डज नॉट रन वेरी फास्ट, यहाँ पे ही के बाद क्या आ जाएगा, डज नॉट, DOES नॉट, NOT, ही डज नॉट रन वेरी फास्ट। अगली एक्सरसाइज देखते हैं वो क्या है, नेक्स्ट है बच्चों पार्ट सी। इसमें देखिए आपने क्या करना है, मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम गिवन एफर्मेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क होगा, और वो शुरू किससे होंगे, व्हाट, दे, डू, व्हाट, व्हाई, वेयर। तो देखिए पहला सेंटेंस, दे विल गो टू द टेम्पल,
तो इस सेंटेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा? विल दे गो टू द टेम्पल, क्या वो मंदिर जाएंगे? आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? वो भी लगा सकते हैं आप, या इसका आर यू माई बेस्ट फ्रेंड? अगला है ही इज वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, तो व्हाट काइंड ऑफ टीचर ही इज, ये हो सकता है क्वेश्चन मार्क। यू हैव हैड योर ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आएगा वी आर लर्निंग इंग्लिश, क्वेश्चन आएगा इसका व्हाट आर यू लर्निंग? तो इस तरह से आप इनको बना सकते हैं। तो अपनी कॉपी में आप इस एक्सरसाइज को पूरा करें। थैंक यू।